भाईजान, अब बैठ जा भाई कहीं पे। हेलो, नीचे आ जा, नीचे नीचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहम्मद जुहेब सदीकी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जिगर, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एज यूजल। और बिल्ली का बच्चा यार मेरा टार्जन मेरे साथ साथ ही घूम रहे। एनी हाउ यार, मुझे कुछ 2-3 दिन हो गए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा तो खैर नहीं, कुछ 3 मैसेज आए हैं TRCs के बारे में। और 3 में से 1 बंदे ने तो बड़ा ही यार, उसने कहा कि भाईजान प्लीज़ 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 यार हमें TRC के बारे में बताएं, मेरा तुर्की का वीज़ा लगा हुआ है लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि आके TRC अप्लाई करूँ या ना करूँ और घूम फिर के चला जाऊँ। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं आई प्रोमिस्ड हिम के यार मैं अगली वीडियो जो है वो TRC में उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा यार, जो TRC के बिफोर वी आई टॉक अबाउट TRC, जो मेरा ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है, मेरा इजहारे ख्याल है, ये कोई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी राय हतमी नहीं है, ये मेरा ख्याल है जो मैं सड़कों पर रोज़ाना गलियों बाजारों में देखता हूँ या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद दैट शेयर दैट एंड बिफोर आई लुक एट दैट यार। छोड़ दे भाई छोड़ दे, लड़ता रहता है यार मेरे मतलब एनी हाउ। अच्छा यार, सूरत हाल कुछ ये है कि TRC पे भी बात करते हैं। 2-1 साल पहले तक ना मैं बड़ा फिट होता था, बड़ा मेरा मतलब बड़ा स्लिम स्मार्ट, मेरी कमर होती थी 24+10। लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ था, लेकिन यार तुर्की में मैं जब से आया हूँ मैं अपना बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका, वजन है कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं जितना मर्जी वॉक कर लूँ, पूरा पूरा शहर मैंने पैदल खंगाला है, लेकिन मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। उसकी वजह जो है मैं आपको आज बताता हूँ, द कल्प्रट जिसकी वजह से तुर्की में आपके भाई का वजन कम नहीं हो रहा, और वो कल्प्रट है दिस। दिस इज इट माय फ्रेंड्स, ये है यार बखलावा। बखलावा बखलावा तुर्किश की तुर्क लोगों की ट्रेडिशनल मिठाई है, जो आजकल के जो मम्मी डैडी तुर्किश यू नो यंगस्टर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर उनसे पूछो कहते हैं चौक कैलोरीज के भाई इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, बट हु गिव्स द डैम, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आता है, लाइफ इज़ ओनली जस्ट यू नो वन टाइम ट्रिप। तो मैं पहले यार ये अपना बखलावा खा लूँ, क्योंकि अगर ये यहीं पर पड़ा रहा तो मेरे से TRC पे बिल्कुल बात नहीं होनी। तो मैं ये खा लूँ, अपनी चाय पी लूँ, देन वी विल टॉक अबाउट TRC। आपने कहीं भी नहीं जाना, मेरे साथ रहना, बल्कि आप अपने अपने चाय के कप उठा के सारे इधर ले आए। आज चाय बखलावा जय भाई की तरफ से। स्वाद आ गया है बादशाह, चस्का आ गया है यार, दिल कर रहा है एक और खाऊं, लेकिन नहीं, चौक कैलोरी नहीं खाना, कल खाऊंगा जी। तो अब आते हैं जी TRC की तरफ। वन लाइनर, TRC बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है। तो फिर ये इतना इतना बड़ा यू नो जो ब्रेकफास्ट, व्हाट द ब्रेकफास्ट इज ऑल अबाउट, ये इतना मतलब इसकी धूम क्या मची हुई है। कानून थोड़े से सख्त हो गए हैं, पहले वाली बहारें नहीं है, पहले तो आप बस अपना खाली फॉर्म ले जाएं, 1-2 कागज़ ले जाएं, बात ख़त्म। अब ज़रा वो चेकिंग शेकिंग गया है, थोड़े से यू नो कवायद व ज़वाबत का भी वो ख्याल करते हैं, वो चेक करते हैं। पहले तो आप बस TRC
वो अपनी एप्लीकेशन लेके जाएं, अपॉइंटमेंट पे लेके चले जाएं, फाइल उनको पकड़ा दें, बात खत्म। अब वो आपकी फाइल एक्सेप्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक भी करते हैं कि आप जो आप जिस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्रोप्रिएट, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाई है या नहीं लगाई। और दूसरा ये हुआ है ना, इज इट रियली वर्थ इट कि आप मतलब अब जो नहीं आ रहे, अच्छा उसमें यार जो रिन्यूअल्स हैं उसको वो इतने बस उन पे इतनी खास वो रगड़ा नहीं उनको लगा, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनका रास्ता पाइप उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, उसको उन्होंने थोड़ा जो सुराख है उसको और मज़ीद छोटा कर दिया है कि कम से कम लोग अप्लाई करें, थोड़ा मुश्किल कर दी है, लेकिन बंद नहीं की, टीआरसी बंद नहीं हुई, ये काफ़ी देर से चल रही हैं। ये पहले भी कोई कई साल पहले भी ये जो थोड़ा बहुत कानून उन्होंने चेंज किए थे, और चेंज यार करते रहते हैं, और ये सिर्फ तुर्की नहीं, दुनिया में हर मुल्क अपनी जियो पोलिटिकल सिचुएशन, अपनी इकोनॉमी, अपने अपनी ज़रूरियात, अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इमिग्रेशन आसान और सख्त करता रहता है। तो तुर्की भी ऐसे ही है, तुर्की में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वगैरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स लोगों का हुआ है, एंड शाम से भी बहुत ज़्यादा जंग के बाद। तो पहले तो चूंकि देर वॉज अ स्पेस, वो लेते गए आते गए, पहले आते गए, अब वो थोड़ा सा उन्होंने टाइट इसलिए किया है कि अपनी इनकी थोड़ी सी यार क्या उसको कहते हैं, लोगों के अंदर जो सेंटीमेंट है वो ये अब आ रहा है कि यार मतलब इंडिया की 1 बिलियन पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की कोई 300 मिलियन के करीब है, अगर ये सारे लोग, और तुर्की को सब पसंद करते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग, तुर्की को सब एवरीबडी लाइक्स इट, तो कहते हैं यार अगर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ, और तुर्की की अपनी पॉपुलेशन आई थिंक इट्स अबाउट 80 मिलियन, वो कहते हैं यार अगर जो पॉपुलेशन इन मुल्कों में है उसका कोई 10% भी अगर तुर्की आ जाए तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ द पब्लिक थिंकिंग, ऑफिशियल नहीं है ये लोगों के अंदर जो बाहर सड़कों पर बातचीत करें दे टॉक लाइक दैट। तो ऑब्वियसली जो जो पल्स है, जो जमहूरी कौमें होती हैं, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, उनका लोगों की पल्स पे हाथ होता है, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। तो उससे बढ़ के ये फ्रेंड्स के यार अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, और जो करंट पार्टी है वो इमिग्रेशन में थोड़ी सी, जो ऑपोजिट पार्टी है वो इमिग्रेशन को लेके काफ़ी यहाँ पे खबरों में रहती है, तो उसको भी टैकल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए ये कानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली गाइस, क्या तुर्की हमेशा अब ऐसे ही रहेगा, ऐसी सख्ती ही रहेगी? मुझे लगता है आने वाले कुछ मुस्तकबिल करीब में थोड़ी सी सख्ती और होगी अभी, लेकिन उसके बाद ये फिर हालात जो है वो नॉर्मलाइज अब होना आप शुरू। हमें बताएं कि आप यहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, दैट्स फाइन, आ जाएं, हमारा मुल्क देखें, पैसे खर्च करें, लेकिन हमें प्लान बताएं, हमें दिखाएं कि आप कितनी देर यहाँ पे रह सकते हैं, कितनी देर रहना चाहते हैं, और आप अपने आप को इस सारे अरसे में सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। यार ये बिल्ली का बच्चा ना कुछ करके रहेगा, गिराने वाला था मुझे अभी। तो एनी हाउ फ्रेंड्स, टीआरसियां लग रही हैं, कानून थोड़े से सख्त हुए हैं, और लेकिन अगर अगर अभी आप अभी भी अगर अभी भी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं देन यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम, रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह। हाँ एक बात यार इसमें ये है, 6 महीने तक ही आप अप्लाई ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार बात भी करने दो यार, सो जा भाई सो जा। एनी हाउ अच्छा यार हाँ आप 6 महीने तक ही अप्लाई कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जो इन्होंने इलाके टूरिस्ट के लिए बंद किए हैं, तो पूरे तुर्की में आई थिंक अबाउट 1200 नेबरहुड्स हैं, नेबरहुड जैसे मोहल्ला, हम उर्दू में या हिंदी में हम मोहल्ला कहते हैं, तो इन्होंने
1200 मोहल्ले इन्होंने फॉरनर्स के लिए बंद किए हैं। मोहल्ले का मंदिर या मोहल्ले का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पूरा इलाका बंद है, उस इलाके का एक छोटा सा सेक्शन जहाँ पे फॉरनर्स की तादाद 20% से ज़्यादा है, द रेशो विद लोकल्स, वो इलाके इन्होंने बंद कर दिए हैं। वहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी ले लें, आपका वहाँ पे नफूस नहीं होगा, वहाँ पे आप TRC नहीं ले सकते। यार मैं आई एम गोइंग टू रेसल विद माई टार्जन। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जो एक दो भाइयों के जो सवालात थे वो उनको उनके जवाब मिले हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।